कैसे हैं सब जी? खातिन हजरात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के भी और इस नॉन पंजाबी बाद चसलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिन हजरात, ये साबित हो चुका है कि आर्ट एक असल ताकत है जो सरहद के फासलों को मिटाती है। हाल ही में इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे ईस्ट और वेस्ट के पंजाबी आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होके काम कर रहे हैं। बट जी, ईस्ट और वेस्ट के पंजाबियों ने मिलकर जो मोहब्बत का मिल्क शेक बनाया है, हम उसे आबे हयात का लक्ब देते हैं। खातिन हजरात, आज सुपर ओवर में यादगार मैच होने वाला, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पिच पे खेलने वाला है। सुपर ओवर के अंदर हमारी लेटेस्ट फिल्म जो यूके और पाकिस्तान कोलैबोरेशन है, उनकी कास्ट आने वाली है। हमारे पहले दो मेहमान थिएटर का बादशाह और सिपा सलार नसीम विकी एंड कैसर पिया। सबसे पहली बात तो यह है कि यूके आपसे पूछ कर गए थे और आपको बताकर ही आए और आपकी चीजें साथ लेकर आए। चीजा तो विकी सब लेके आए, तुम एक बंदे को उधार ले सी, मैं पैगाम लेके आया। आइए, थैंक यू, बहुत अच्छे। वैली जनता फिल्म्स एंड ओमजी स्टार स्टूडियोज इन एसोसिएशन विद एचकेसी एंटरटेनमेंट एंड सिनेस्टार प्रेजेंट्स मां द लाडला। इट्स एन इंडो पाक यूके को प्रोडक्शन जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिस्टर हमाद चौधरी हैं और ये वाहिद फिल्म है जो कि पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहा है यूके सिनेमा के साथ। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक वेंचर। और ये पहला वेंचर नहीं, इसके बाद बहुत से और भी वेंचर्स आने वाले हैं। पहले आया दसो ताड़े दोवां दा दर्जी एको ही है सर? जे सरेड़ी तो ले ना, एक ना एक फ्री दे रहे सर। दे ही सानू ये ड्रेस रहा सी क्योंकि आप दर्जी दा मालक सी। अच्छा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बट जी, हमेशा शो जी वेलकम करते रहे तो कभी कोई खाने की दावत भी दिया करो। तो मैंने भी नहीं कोई देंदा। आपके घर में जब कभी किसी की शादी का कार्ड भी आता है ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है बमाए अहलो याल बगैर बट के। बल्कि इन्होंने कोई कार्ड भी दे दे, थले नुक्कर ते लिखा होता कि रोटी अपनी अपनी है। तुहानू कोई कार्ड देंदा ना, उन्दे ते लिखा होता हेल्थ कार्ड। अच्छा, व्हाट्सएप दे कार्ड ते कोई चीज लिखी, अगर कोई बुला ही लवे ते ओदी नुक्कर ते लिखा होता, बाकी तो होता ना कि खाना 12 से 3 बजे तक। शायद ही शादी कार्ड ते लिखा होता सिर्फ 10 मिनट। व्हाट्सएप ते किसी फौतगी ते चल जाने ते उत्थे जा कह रहंदे मरण वाला कहंदा सी मैं तैनूं पिज़्ज़ा खवावांगा। कैसर भैया, मुझे बताएं, मां द लाडला आपकी पहली यूके पंजाबी फिल्म है या इससे पहले अकाउंट खुल चुके हैं? बट साहब, इससे पहले हमने इकट्ठे की थी, विकी साहब भी थे, आप भी हैं, जिसमें वो फटे दिन दे चक पंजाबी, हाँ जी, गिप्पी गिरेवाल साहब, नीरू बाजवा साहब और भी सारी टीम, तो पहले की वो थी, लेकिन रिलीज ये पहले हो रही है। मतलब अकाउंट पहले खुल चुके हैं? पहले खुल चुके हैं जी, बेहतरीन खुल चुके हैं। बल्कि जिन्नी तुसी उते वीडियो आप बना ली है अपने कैमरे ने, मैं लगता तुसी पहले रिलीज कर देनी। तुहानू होर काम ही कोई नहीं जी। इन्हां नूं किसी को बंदा पुछे ना कि दुनिया दे की करना है जी, मैं सैल्फियां लैनियां है जी। की करा हूं, अल्लाह ने शक्ल ही सेल्फी वाली दी, हूं मैं तेरे ते बारे नहीं है कैसे। क्या बात है। मगर आप मुझे बताएं कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स जो यूके में हो रही थी, उसमें हमारे दो पाकिस्तानी बॉक्सर थे, 12 श्रीलंकन खिलाड़ी स्लिप हो गए सी। यूके जाके ताड़ी नीयत नहीं पैड़ी हुई सर? जुमे रात को बारिश हुई सी, उदों स्लिप होया सी। मैं कहता एक बारी हो गया, दूसरी बारी कत हुई है फिर। नाले साडा मल्टीपल इथों दा लगा। फिल्म में आपका किरदार डॉक्टर का है, मियाँ जी का इलाज भी करके आए हो कि नहीं? मियाँ साहब का इलाज हम फरिश्ते ही कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने दवावान ने ठीक हो सकते हैं, उंज तो परफेक्ट ने माशाल्लाह मियाँ साहब। बस आने लगते ना उदो डॉक्टर कहता जिन्हें जिन्हें गड्डी चलानी या जिन्हें जहाज चलाना उसकी तबीयत खराब है। कैसे पिया, सबसे पहले तो आप ये बताएं, कहीं आप वो पिया तो नहीं जिसके बारे में कहा गया है पिया तू अब तो आ जा हू हा। दुबई वाले पासे जाओ ना, इंज दियां शेव करने वाली कुर्सियां होंदियां।
कैसे रुपया और नसीम की साहब, आज आप जितनी मर्जी जुगते करें, आपको सात जुगते माफ हैं, लेकिन हमने आपकी आमद पर सारी रात तानसेन और मलकों के साथ बैठकर एक स्थाई अंतरा बनाया है, अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करूं। बट साहब प्रोग्राम की रेटिंग अच्छी आंदा, फायदा ना चुको, मलकू ते तानसेन इकट्ठा करता जे। प्रोग्राम नंबर वन हो जाए ना तो मलकू भी तानसेन ही हो जाता है। सर पिया बड़ा बेदर्दी इश्क, ओ कैसर पिया बड़ा बेदर्दी, जुगते करना ही जाने महंगाई इंतहाई, दे आवाम दुहाई जाने 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 हाय, कैसर पिया बड़ा बेदर्दी, ओ कैसर पिया बड़ा बेदर्दी इश्क। बड़ा बोलता था अब बेबस मजबूर है क्यों, न जाने न जाने जाने जाने, तू दूर जो था बड़ा बोलता था अब बेबस मजबूर है क्यों, हो तरस तो खा इस कौम को कर, तू तंग ना बिल ना बड़ा अब मान भी ले, ये कहना कैसे जिए कैसे गए ये आवाम, पगला इतना न जाने न जाने न जाने न जाने 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 हाय, कैसर पिया बड़ा बेदर्दी इश्क। विकी भाई मुझे ये बताएं कि माँ का लाडला और सियासी लाडला में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी, माँ का लाडला जो होता है वो तो माँ उसके मतलब जो गुनाह भी छुपा लेती है, हाँ। और अपने बेटे को कोई ऐसी मतलब सजा भी नहीं देना चाहती, और अपने बच्चे को बहुत बड़ा भी देखना चाहती है, हाँ। दूर भी नहीं करना चाहती, और उसको कामयाब भी देखना चाहती है। ये सारा पुठा सियासी लाडला, सियासी लाडला जड़ा होता ना जी, वो आवाम का लाडला हो जाए तो फिर सारे लोग तंग हो जाते हैं। सर जो मां का लाडला होंगे वह हिस्से मान दी है, जो सियासी लाडला होंगे वह हिस्से जमीन आदि ने, जायदादा हुकूमत आती है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जो लाडला ना फिर सारे आंसू कटा दिता, जो बाकी लाडले होंगे होंगे वह भी मां के ही ने, लेकिन उन्होंने बेड़े अगर कोई लंडन निकलना पै जाता। और कई लाडले तो मायूस हो जाते हैं ना, सियासी लाडले जो तीन महीने की उन्होंने हुकूमत मिलती है, बस उस बाद बेचारे सो पानी च बूट पा के खलोते, उन्होंने कौम रो रो के कहती है देखो माँ का लाडला किमें पानी च फिरटे। सही कहा, सियासी लाडले हाफ टाइम से पहले माँ के लाडले ही थे, और माँ से मेरी क्या मुराद है आप समझते ही हैं। ओहो माइंड योर बिजनेस। नीरू बाजवा पंजाबी फिल्म का सबसे बड़ा नाम है, और आपकी फिल्म की प्रोटैगनिस्ट भी हैं। नीरू बाजवा को कभी बेध्यानी से सलूट तो नहीं मारिया? ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਡੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਐਸਾ ਬੂਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫਲੈਂਕਿਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਮੈਚ इंटरनेशनल ग्राउंड्स में होते हैं, यहाँ तक कि पंजाबी फिल्मों के अंदर भी कलेबरेशन हमारे आर्टिस्ट और उनके आर्टिस्ट लंदन में जाके शूट करते हैं।
ये दोनों मुल्क कब इकट्ठे काम करेंगे? जयपुर में शूटिंग कब होगी, लाहौर में शूटिंग कब होगी, या कराची में शूटिंग कब होगी, और चंडीगढ़ में शूटिंग कब होगी? भट्टी, असल में बात क्या है कि जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, तोड़ने वाले ज्यादा होते हैं, जो उनकी समझ नहीं आती। लेकिन जब एक एक करके कोई जोड़ने वाले आ जाए, पुल का किरदार अदा करे, फन की बाउंड्री नहीं होती, मतलब फनकार की तो बाउंड्री होती है, मतलब हम इधर के हैं वो उधर के हैं, जब इकट्ठे होते हैं फन उधर भी चला जाते हैं, इधर भी आ जाता है। सर, मां दे लाडले चारे ने के इकट्ठे हो, ये सियासी लाडले चारे के ना हाय। अस्सलाम वालेकुम भट जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज गेस्ट नहीं लभे तो चबुरजी तो टोला वाले बुला ले जे। अरे बाबा, गरम जोहर, दुबई से आ रहे हो या दुबई जा रहे हो? अब खुदा दा खौफ करो जी, दुबई जान मेरे दुश्मन, यानी कि तुसी। मैं तो दसन आया कि अज तुसा ने शो दे भाग खुल गए ने। अच्छा? हाँ जी, ये तो गैस लगन लगी। मेरे कहने का मतलब है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर लेके मैं तुसा को हाजिर होया पापा जी, एक बारी तक तो सही। ये इन्वेस्टर है? हाँ जी, देख ले, हम दफना दियो जी। अच्छा, ये इन्वेस्टर है? हाँ जी। मैं समझा शायद सवारी है। गरब जौहर। हाँ जी। आपका बड़ा फिटे मुंह, मेरा भी तो तारीफ करवाओ ना। ओ, असल च पहले इन्वेस्टर दा तारीफ करा लवा, ओ ना होवे किधरे मुकर जाए, फिर तू बंद कैमरे आगे आइटम सॉन्ग करती रह। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग दाल रोटी के लिए। हाय अल्लाह, एक ते मैं हसीन, ओ तो बेवकूफ। गरम जौहर। जी जी। अखबार च इश्तिहार दे दे के तुहाडी वफात हो गई है। नहीं के इन्वेस्टर दे मकान दा किराया कोई नहीं दे रहा। अखबार में इश्तिहार दे दो। हाँ जी। हमें हाई बजट फिल्मों के लिए जी नए टैलेंट और पुराने चेहरों की जरूरत है। वाह इन्वेस्टर साहब, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, असानी जड़ी फिल्मी दुनिया ओ ते सियासत दोवां च तुसां की पुराने चेहरे मिल सन। पुराने चेहरे? मेरी तो अभी तक एक सर्जरी भी नहीं हुई। जिथे सर्जरी हुंदी ना उथे मेन ते ताड़ी फोटो लाई उन्होंने, सब तो पहले इन्हां दी हुई सी। असल च मैडम, तुसां की सर्जरी की जरूरत तां नहीं हैगी क्योंकि हुण इस मुंह की सर्जरी हो भी नहीं सकदी। वे मर्दम शुमारी करन वाली माई दिया मुंडिया। और गरम दौर। जी जी। और कुवत खाने तलाश करो। अच्छा जी। और जहाँ पे ज्यादा दौर में सहाफियों को कैद रखा जाता था। ते की गल सर, तुसी उत्थे रहैश करनी है? और बात सुनो। हाँ जी। मुल्क के कोने कोने से राइटर इकट्ठे करो। वाह। और उन सबको कुवत खाने में डाल दो। वेरी गुड। और उनको एक नया टास्क दो ताकि एक अच्छा काम निकले। वेरी गुड। ते अपना खलीलुर रहमान कमरे ना के कर सो। बात सुनो, उसको अकूमत खाने का सुपरवाइजर बना दो। अच्छा जी। और उसके तमाकू नोशी का खर्चा फिल्म पे नहीं डालना। अच्छा जी। और वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। यार वैसे गरम जौहर कमाल करते हो के जी, इन्वेस्टर तो ले आया लेकिन कहानी तुम्हारे पास है ही नहीं। बट जी, कहानी मेरे को लिखो इसी जेडी मैं इन्वेस्टर नु पा बैठा। मेरे कहने का मतलब है कि असन इन्वेस्टर नवे आइडियाज ते कहानी लिखवाना चाहते ने, जेडी मेरी कहानी तो माड़े ज़हन च है। अच्छा, मैं इस किस्म नी फिल्म बना सा कि टाइटैनिक तुसा की फिकी लगसी। ओए टाइटैनिक फिकी नहीं, ठंडी लगी सानू जिन्ना पानी सी जनाब। हाय अल्लाह जी, किड्डी सोहनी गल कीती है। जे टाइटैनिक फिल्म बने ते हिरवन मैं होवां ते जेड़ा ओदे च एडा सोहना जिहा ओ रोनाल्डो हीरो नहीं? हां जी हां जी, ओ मेरी फोटो बनाए। वाह जी वाह, क्या बात है। अगर तुसी हिरवन होंदे ना टाइटैनिक च ते डुबना कुड़ी नहीं सी। अच्छा जी, अगर ये हिरवन है होंदी ना ते ओ टाइटैनिक वाला जहाज जेड़ा ना अपनी इसे नहर च डुब जाना सी। अगर ये हिरवन होंदी ना टाइटैनिक दी ते जहाज ने मोटरसाइकिल च बच के तबाह हो जाना सी। एडा दुख ते मैनू कदी नहीं होया, दिल के अरमा आंसुओं में। पर इहदा गाना भी मलकां वाले बाग च होना सी। जहाज दी अनाउंसमेंट होनी सी, मसा ठोकर टपेगा। अच्छा गरम जोर, फिल्म का नाम तो बताओ। पंजाबी फिल्म पे बना रहे हैं जी, नीरू बाजवे दी राखी। अब बात सुनो, रोमांटिक फिल्में बहुत बन चुकी हैं, कोई इनकलाबी फिल्म बनाओ, इकोनॉमी सवाल चलता है। करण जौहर। हाँ जी। मैं तो कहती हूँ सैयद नूर ने फिल्म बनाई थी मेहंदी वाले हाथ। हाँ जी। तो
तुम बनाओ साजिश वाले हाथ। बहुत अच्छे, यानी तुसा ना मतलब है जिस दिहाड़े फिल्म का प्रीमियर होए मैनू गोल मंडी थाने च पांजे बज रहे हो। और सारी फिल्में छोड़ो, ये फिल्म बनाओ कर्नल टाइगर और 40 चोर। हाय हाय हाय, मैं तो कहना वा जिस तरह के हालात ने नवी फिल्म बनावा गिल दा मामला है। फिर ये नाल तानू होर भी बनाने राणे दा वैर। यार गर्म जौहर, हाँ जी, ए तेरी जिहड़ी फिल्म आ रही है ना गिल वाली, हाँ जी, इहदा जिहड़ा गाना बनाना ना, हाँ जी, इहदा नाल तुसी टाइटल जरूर लिखना की इस गाने की तर्ज बनाई है राणा सनावला ऐसा खेल भी नहीं। म्यूजिक दिया शेख रशीद ने। गरम जौहर, हाँ जी, मैं तो कहती हूँ फिल्म बनाओ और उसमें ना ये गाना तो जरूर डालना। केड़ा? ओ, मैं ते मेरा दिल पर जानी गैस बिजली ना पानी, मैं ते मेरा दिल पर जानी गैस बिजली ना पानी, महंगाई दा वी ए तूफान सियासत च वी ए बहरान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, मैं ते मेरा दिल भर जानी। दादी बीमार है तो डॉक्टर उधार है, चाचा सफरी फुकरा है, हर गल ते लांडा टुल है, फिल्म मां दा लाडला इच एंटरटेनमेंट फुल है। कहीं ना जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप देखेंगे सुपर ओवर में नीरू बाजवा को। विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर, आप देख रहे हैं सुपर। आप तो खुद पैसे देके उन्होंने कास्ट किया थे। ओ ख्वातीन आजाद, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं सुपर। हम मौजूद हैं मां द लाडला की कास्ट के साथ, क्या बात है। इफ्तिखार ठाकुर हर पंजाबी फिल्म में आजकल नजर आ रहे हैं, की है मुफ्त काम करते पे? नहीं सर, उधर सर वो शारियां ते बच्चों नु पैसे बड़े देंदे ने ना, वो नेकी उन्हां दे काम ओथे आंदे। वो पैसे देके कह रहे हुंदे सिर्फ फिल्म दी दुआ करनी, मेरी सेहत दी नहीं करनी। अच्छा, आपकी जुगतों की स्पीड बड़ी तेज है, ए दसो कि जुगता दा बड़े गुलाम अली खान कौन है? बड़े अमानुल्लाह खान। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये कि विकी साहब साथ बैठे हैं इसलिए नहीं, स्पीड पे कोई जुगत करता है या आमद होती है ना तो अमान साहब तो बब्बर शेर है ना, उनको तो पिक कर दे, उसके बाद विकी साहब है। फिल्म कॉमेडी में मुनव्वर जरीफ साहब का वही पेडिस्टल है जो फिजिक्स में आइंस्टाइन का है। 100% जी, मुनव्वर जरीफ साहब वाकई एक्टर नहीं थे ना कोई लेजेंड थे, वो साइंसदान थे। वाह, और शुक्र है सवाल तुसी अंग्रेजी ला इधर कीता, पेडिस्टल दा मेनू पता नहीं। मां दा लाडला दी बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन क्या डार्लिंग जैसी होगी या शमशेरा जैसी? माय डार्लिंग जैसी। माय डार्लिंग, क्योंकि हर कोई कहेगा ये माय डार्लिंग फिल्म है, ये सब देखेंगे। हां, ये अपनी शिनाख्त बनाएगी इंशाल्लाह।
मैं कराची के सबसे बिगड़े हुए लाडले। अच्छा। और पूरा माशरा मुझे माँ का लाडला प्लस कहते हैं। आपकी उम्र देख के इसमें कोई शक ही नहीं कि आप वाकई ही माँ का लाडला प्लस ही हैं। क्योंकि साहब आपने इंडिया में बड़ा वक्त गुजारा है। हाँ जी। फिल्म में बड़ी लेट एंट्री हुई है। ए ताड़ा ना ECL इस तरीके आ गया सी। नहीं, नाम तो ECL च नहीं सी आया। अबर जी मुझे बहुत पहले ऑफर थी। अच्छा। मैं फिल्म कर नहीं रहा था। क्यों? फिल्म में आपका कहीं वो किरदार तो नहीं था जिस किरदार पे भाभी को शक है? अच्छा, बीवियों को शक नहीं होता, उनको यकीन होता है। और पाभी, पाभी ना देना शक कर देने कि उन्होंने किसे दस्ता शक करना कोई स्वाब दा काम है। नहीं, बीवियां दा शक करना जड़ा उन्हां दा राइट हुंदा। औरत शक अपने जेस च नाल लेके आंदी है। जेड़ी औरत शक ना करे फिर उस औरत ते शक करो। बिल्कुल सही बात है, शक बिल्कुल सही कहा यकीन है कि शक करती हैं औरतें। भाई हमारे पड़ोस में थे कुद्दूस साहब, उनकी बीवी जब भी आती है ना घर, वो कोट चेक करती है, बाल कहाँ से आया, तुम तो गंजे हो। अभी दो दिन पहले आया, बाल नहीं मिला। बीवी क्या कह रही, अब तुम इतने गिर गए हो, अब गंजी औरतों से ही मिलने लगे हो। मेरी बीवी भी बहुत शक करती है, बल्कि मोहल्ले की सारी बीवियां मुझसे शक करती है। ना ना ना, आपकी बीवी शक नहीं करती। एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा बाहर चक्कर है, कहती चल चक्कर है, मैंने 10 साल निकाल लिए। और नहीं विकी पापा, वाकई मतलब दी औरतां वी इहनां ते शक करदियां ने कि ऐ ओ बंदा जिहड़ा साडे बच्चियां कोलों चॉकलेट खोंदा। ओ तुसी फुकरे लोग, एदर इक इन्वेस्टर बैठा है, नोटां दी बारिश च रहना, इस दे बावजूद माय वाइफ पर्सनल वाइफ मेरे ते शक करदी। यार ओ वाइफ पर्सनल हुंदी, बाकियां दी रेंट ते हुंदी। ये वो शोहर है जिसे खुला छोड़ देती बीवी, कौन मुंह लगाएगा शाम को फिर आ जाएगा। और तुसी वेखो कैन कौन रहा। अच्छा, यदि बीबी भला की शक कर दी है, नलका खुला रह जाए ना, वो कहेगी यकीन है ने खुला छड़े होना। मोहल्ले च चोरी हो जाए तो बीबी कह रही थी कि तुसी ना जाना, नाम थोड़ा ही लगना। एक औरत के पीछे हाथ धो के पड़ गया ये, फिर उस औरत ने मुंह धो के अपनी जान छुड़ाई। थोड़ी देर बाद हमें सुपर ओवर में ज्वाइन कर चुकी हैं इंटरनेशनल पंजाबी सुपरस्टार नीरू बाजवा। अस्सलाम वालेकुम नीरू जी, दिस इज अहमद अली बट वेलकम टू सुपर ओवर। कहने कि जिन्हें लाहौर नहीं तके हो जमिया नहीं, तो फिर आए लाहौर, आए छेती आओ ताकि हम आपकी बर्थडे मनाएं। अहमद अली भट्ट जी और सुपर ओवर के सारे दर्शकों को, पाकिस्तान को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ओथे बैठ के सलामा करते पे, लाहौर ते आओ ना। हाँ जी जरूर, मैं तो चाहती हूँ कि मैं लाहौर आऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है, और आप कभी बुलाएं और हम आ जाएंगे। नीरू जी, माद लाडला की 3 ऐसी यूनिक बातें बताएं जो इस फिल्म को दूसरी फिल्मों से जरा यूनिक कर देती हैं। माद लाडला की 3 ऐसी बातें, एक है जो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है मुझे लगता है, और मेरे साथियों को भी लगता है, और इसमें ख़ास बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी दोस्त केसर पिया जी, इफ्तियार ठाकुर जी और नसीम विकी जी हमारे साथ इस फिल्म में हैं, और कॉमेडी के अलावा इसमें इमोशंस भी हैं, और मुझे लगता है कि ये फिल्म परिवार के हर एक मेंबर के लिए फिल्म बनी गई है, और चाहे हम पंजाबी जो इंडिया में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, ये हम सब की फिल्म है। माँ खुदा, नीरू बाजवा की फिल्म का प्रीमियर हम जोधा भाई के साथ बैठकर देखना चाहेंगे। ताड़ी तबीयत खराब रहती, तुसी फिल्म ना देखो, अपने एक्सरे देखिया करो। नाले प्रीमियर ते जड़ी ना जोधा भाई देखेगी तो उसके इंटरवल च समोसे बेचले होंगे। और आशा, जोधा भाई की बात हो गई, वो मेरे साथ जाएगी। इसका मतलब वो अपने सरताज के साथ नहीं, सोतेले भाई के साथ फिल्म देखी। नीरू जी, पाकिस्तान में तो पंजाबी फिल्मों ने राज किया है, कोई ऐसी पंजाबी फिल्म या पंजाबी एक्टर है जो आपको पसंद है? I'm a huge fan, of course, जैसे सारी दुनिया है, नुसरत फतेह अली खान साहब, नूर जहान जी, नसीबोलाल जी, अबीदा परवीन जी, the list is endless. So, I hope के हम सबको इकट्ठे काम करने का मौका हमेशा मिलता रहे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं, ये मेरी दूसरी फिल्म है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, और मैं चाहूँगी कि आप भी मुझे बुलाएं लाहौर, मैं भी आऊँगी, मैं भी आपकी फिल्मों में काम करूँगी। हाय हाय नीरू जी, क्या कह दिया आपने, आप एक दफा आए तो सही, आप आएंगी तो फिर आपको देख के मैं सिर्फ एक ही गाना गाऊंगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी टूट जाए।
वैसे नीरू जी तुसी एक बार यान दा ज़ेन ते बढ़ाओ, मैं बच्चे नान के भेज देसा। गरम जौहर, हां जी, वे ज़ालिमा फौरन ही पार्टी बदल लई है, मेरा ते सोचो मैं किथे जावांगी। ओए बस कर, एक बार इनू चक्कर ते लान दे, हर किसी नु कट करा देंगा। प्लीज कम टू द पॉइंट। नीरू जी ये बताए कि आपने पाकिस्तान की क्रीम क्रेम डेला क्रेम जो कॉमेडियंस हैं उनके साथ काम किया है, नसीम विकी साहब, कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा केमिस्ट्री किसके साथ बनी? देखो मैनू तो लगता है कि साड़ी केमिस्ट्री बहुत ही वधिया है, ऑब्वियसली मतलब कॉमेडी किंग्स ने तीनों, तो उन्होंने नाल जो भी मैं सीन्स किए ने मेरी मैं पता है, मैं अवे आप पर बड़े फक्र नाल कहनी हूँ कि मैं वन टेक आर्टिस्ट हाँ, बट इन्हों के नाल जो भी मैं सीन्स करती हूँ तो मैं पता नहीं मेरे किन्ने टेक्स होंगे ने, क्योंकि मैं हासा ही इन्ना आता ने। सो मैं तो लगता है कि केमिस्ट्री जबरदस्त है, बाकी जो तुम फिल्म देखोगे तुम दसोगे कि केमिस्ट्री कहो जी है। नीरू जी मैं डायरेक्टर आदमी है, टेकों तो परेशान ना होया करो, तुहाड़े तो ज्यादा ते बादशाह करा देंदा। नीरू जी जब मेरा और आपका गाना केटू की पहाड़ियों पर पिक्चराइज होगा, बादशाह की दिल से है दुआ, रंग दे तुम ओए गेरुआ, ओथे बैठ जा किसी ने सोफा मान लेना ही। नीरू जी आप क्या समझती हैं कि को प्रोडक्शंस होनी चाहिए, इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कोलैबोरेट करना चाहिए, चंडीगढ़ तो लाहौर ते कराची तो मुंबई जाना चाहिए? बिल्कुल, मैनू लगता है कि इंडियन आर्टिस्ट नू कराची आके लाहौर आके काम करना चाहिए है, ते पाकिस्तानी आर्टिस्ट नू भी इजाजत होनी चाहिए है इंडिया काम करन दी। मतलब असी एक ये मेरा मानना है, ते हुन कोई बंदिश नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, असी हर मुल्क जाके जिते भी सानू काम मिलता है एज एक्टर्स असी उत्थे काम करते हैं। सो बट पाकिस्तान नाल तां साडा प्यार ही बहुत है, एंड साडे सारे फैंस भी पाकिस्तान है, बहुत बहुत प्यार मिलता है सानू उत्थे। सो मैं जरूर चाहवांगी कि किसी दिन मैं आके लाहौर कराची काम करा ते थानू सारयां नू मिला। बिल्कुल नीरू जी सही कह रही है, फनकार को हमेशा पुल का काम करना चाहिए, ब्रिज का काम, मिलाने वाला काम। यहाँ तो ये माँ का लाडला बने हुए हैं, लेकिन शकील साहब वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जितना काम इन्होंने पाकिस्तान में किया उससे बहुत बड़ा और ज्यादा काम इन्होंने इंडिया में भी किया, जहां इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम भी किया वहां। अल्लाह का शुक्र है एज ए मुसलमान एज ए पाकिस्तानी कि हमने अपने पाकिस्तान को वहां जाकर डोमिनेट किया और बताया कि पाकिस्तानी फनकार कैसे हो। इसमें भी कोई शक नहीं कि नसीम विकी साहब जो यहां तो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वहां का कपिल शर्मा का फॉर्मूला यहीं से गया था। वाह, कपिल ने भी देखे जिसको करके दिखाया और पूरी दुनिया में उसने अपने फन का लोहा मनवाया और वो मल्टी टैलेंटेड है। कपिल में कोई शक नहीं है, वो लोग मेहनत करते हैं और पैकिंग करते हैं। जब हमारी बात हुई ना इस शो के बारे में तो ताहर सरवर मीर साहब ने जब अपना ये आइडिया बनाया तो मैंने उनको ये दाद दी थी ताहर साहब को, मैंने कहा आप जो शो कर रहे हैं हमेशा उंगली उठती है हर शो के ऊपर, ये कॉमेडी नाइट कपिल की कॉपी है, आपने जो फॉर्मेट बनाया जो तैयार किया ना, ये लोग एक दफा कहने पे आएंगे तो कहेंगे नहीं ये वैसा नहीं है, आपका अलग शो है। और आज इस शो ने हमारे सुपर ओवर ने ये साबित कर दिया, ये नंबर वन भी है और ये हटके भी है, अलग भी है, इसका फॉर्मेट, इसके कैरेक्टर्स और इसकी बातें ना तो पुरानी बात है ना चीप बात है, सारी नई बातें हैं। तो आज एक ये जो रंग हमारे मुल्क में आया है इंशाल्लाह ताला, ये मेरी दुआ भी और मेरा तजर्बा भी है, ये उसी प्लेटफॉर्म पे जाएगा जहां पर कॉमेडी नाइट कपिल चल रहा है। क्या बात है शकील साहब, आपने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और बहुत से बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया, वो हमारी कॉमेडी को कहां प्लेस करते हैं? वो देखिए फिल्म में बहुत आगे, फिल्म मेकिंग में या अब ड्रामों भी आगे निकल गए वो, लेकिन एक काम कॉमेडी ऐसी है जो पाकिस्तान से आगे वो नहीं निकल सकते। बट जी मैं तुसा की गल दसा है, जिस तरह क्रिकेटर ने असा ने वो भी हीरो ने सिर मथे ते, लेकिन वो कदी जितते ने कदी हारते ने, ते असा ने पाकिस्तान दे कॉमेडियन कदी नहीं हारते सिर्फ जितते ने। क्या बात, क्या बात। अरे वाह, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कोट करूंगा, एक राइटर जो वहाँ के बड़े मशहूर है, मैंने उनसे पूछा था कि मैंने कहा आप जब स्क्रिप्ट लिखते हो, कहता भाजी जो तो स्क्रिप्ट लिखते हैं लिखने के तेरे फंसे ही ना, फिर अमान उल्ला दा ड्रामा ला लेदा गल आप ही टुर पैंदी।
मैं तो ये कहूंगा कि वाकई इनको पूरी दुनिया मानती है और पाकिस्तान को भी फख्र है, और हमारे तमाम कमेडियंस के लिए एक दफा स्टैंडिंग ओवेशन जरूर। अरे बहुत जरूरी, कहीं ना जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर जानी। नहीं नहीं, इट्स ओके नीरू, डोंट वरी, मैं विकी भाई को इतना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। फिल्म लिखी किसने? जगदीप ने जी, जेडी, और जिसको प्यार से जग्गी भी कहते हैं, बहुत अच्छा राइटर है, और फिल्म की जो थीम को लेकर चलता है और जो पंच लाइन करता है ना, कमाल। क्या बात है, क्या बात है। खवातीन आजाद हमें सुपर ओवर में अगले हमारे फिल्म मादर लाडला के प्रोटैगनिस्ट, हमारे हीरो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम तरसीम जस्सर। अरे तरसीम जस्सर जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैनू ए दसो कि तुसी लाडले दा कैरेक्टर ते प्ले करदे पे हो, ते ए केड़ा लाडला हैगा, क्योंकि लाडले साडे कोल भी बड़े हैगे। भाजी सब तो पहला तो अदाब, सलाम अलैकुम सारिआं नूं, प्यार सत्कार सत श्री अकाल, ते सुपर ओवर देख रहे सारिआं नूं मेरे वल्लों ढेर सारा प्यार। ते मैं कर रहा जी गोरा, गोरे दा करैक्टर प्ले, ते गोरा अपनी माँ दा लाडला, अपनी दादी माँ दा लाडला, ते जिवें इह चीज़ां अपने पंजाबियां दे खून च ने वी, जिहड़ा इह मावां नाल प्यार आ, ते मेरा गोरे दा किरदार आ भाजी, ते उहदा मैं किरदार प्ले कर रहा माँ दे लाडले दे विच। ते जिहड़े लाडले पाकिस्तान च ने, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਲਰੇਡੀ, ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਫਤਕਾਰ ਠਾਕਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਪ੍ਰੀਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚਹੇਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਆਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਟ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੱਸਰ ਭਾਅ ਜੀ ਉੱਧਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਚੂਹੂ ਦੇ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਲਪੁਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਜ਼ੀਨਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮਾਲਾ ਲਾਡਲਾ ਕਾਮੇਡੀ ਵੈਂਚਰ ਹੈ ਜਾਂ 12 ਮਸਾਲੇ ਫੁੱਲ ਮਿਕਸ ਪਲੇਟ ਚਾਟ? ਭਾਜੀ ਪਿਓਰ ਕੌਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕੌਮੇਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਮੇਡੀ ਦਾ ਧੂਮਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਤਰਸੀਮ ਜੀ, ਆਪਕੀ ਕਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਣੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਨੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਟ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਹਾਸਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਨਾ ਹਾਸਾ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮਿਲੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਅ ਜੀ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਓਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਡਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਜੀ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਡਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੇਤਾਬ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਐਡੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਵਾਲੀ ਜੱਫੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰੀ ਜੱਫੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਅ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭੱਟ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਜੇ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਹਾਂ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਕਿਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਤੇ? ਪੰਚ ਲੈਨ,
है पाकिस्तान की जी जुगत है जी पंचलाइन है उन्होंने बहुत पसंद आती। जिस तरह इस फिल्म का राइटर जगी है ना वो पंचलाइन सुन के डिग पैंदा वह की करता कि कैसे रुपये उन्होंने खुला छड़ दिंदा सी भाई जरा सीधे बनाओ तड़ाड़ भी जुगतं कर रहा तो मैं तू इन कर रही नहीं लाएगा कितने कहता भाई ये मैं सुननिया ने लगनियां तो जी मैं लिखिया ने नहीं है गल्ला गल्ला तुसी के आख्या के कैसर पीए की खुला छड़ देंदे सी जिस तरह तुहानू नहीं इन्हां ने बन्ने आ जा जुगत की बात हो रही है तो आज T20 जुगतों का हो ही जाए। आए जी कैसे साहब विकी साहब जरा इधर आए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सम्राट बादशाह जलवागर हो रहे हैं। टाइम आपका शुरू होता है अब। तेनू घर वाले ने कहा कि बादशाह दही लै गया तू पक्का ही हो गया भांडा गवाच गया सिर तरखे च पवा लेना कि चौल मंडी देना ना बादशाह को बर्तन ना हो ते च पवा लेंदा जी। अच्छा चावल बर्तन की नहीं पवादा उन्होंने कहना देख मेरे मुंह च डोल दो बादशाह मैं बादशाह अपने महल च क्यों नहीं आता कहते चौबदार गालां कटदा मैं क्या कल तू इंसाफ करना सी कहता राती मैं मशीन लेके कपड़े धो रहा सी बादशाह ने सिर से पट्टी कराई मैं क्या की होया कहते नहीं अज मलका ने तो नहीं मारिया और बड़ा बजरी बादशाह माशाला अच्छा जी हाथी तो बंदा हाथी नाल ही बह जाता राती मैं ढेड़ से पैर रखिया परची नहीं निकली जुबान निकली थी कमरा बनाना चाहना जो ऑलरेडी बने की करना पता रात को अपने दरवाजे बाहर सुता रहा क्या महल चार रो पवे मज रखी महल्ले च बादशाह मठियाई बन रहा मैं की होया कहिंदा जी मेरे बेटे ने पहली बार मेरे गिलास च पानी पीता उस तो अगले दिन मैं फिर वंडन दिया सी हो गयो मैंने तुहाडे घर दे ने पसंद कर लिया बादशाह प्रोग्राम टीवी वाला गल्ला तू आरफ वाले लिया करने ये कैसे भैया आज तुमने हमारा दिल जीत लिया इंसाफ की इस तराज की कसम अकबर से जो मांगोगे मिलेगा क्या मांगते हो कैसर जी इससे लिबास मांग ले हमारी बादशाह से जान छूट जाएगी लो भाई मुकामी मिरासी हो तुम बहुत हसाया मैं थोड़े तुम दस रो के वड्डे बजट की फिल्म बनावांगा। अच्छा और वाह 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 वेल डन 2036 इसके 36 दांत निकालो मनुष्य के 36 किस तरह मुझे पता था बीच बोलेगा 4-13 रखे मैंने